महीने बाद धर्मशाला लौटे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के अभिनंदन समारोह में छलके आंसू। माचा मुंडा का आशीर्वाद लेने के बाद जोरावर स्टेडियम में जनसभा को किया संबोधित। सीएम सुक्खू द्वारा बिका हुआ काला नाग कह जाने पर बोले, सही समय पर दिया जाएगा जवाब। सुधीर शर्मा के अनुसार धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी व आईटी पार्क तथा 1,00,000 युवाओं को नौकरी की गारंटी पूरी न करने जैसे मुद्दे उठाने के बाद कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। मीडिया से बातचीत में कहा, अभी 9 MLA ने सुक्खू सरकार का साथ छोड़ा है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हो सकता है तख्ता पलट। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों में शामिल थे सुधीर शर्मा। समारोह में शामिल बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव बिंदल बोले, 43 से घटकर 34 पर आ चुकी है सुक्खू सरकार। बिंदल ने कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों के लिए बागी शब्द के इस्तेमाल पर भी जताई आपत्ति। लगभग 1 महीने बाद घर वापस आया हूँ और भावुक पल है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूँ, स्वेच्छा से हुआ हूँ। इस बीच में कई बातें लोगों ने कही हैं, उनका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। घर आया हूँ, अपनों के बीच आया हूँ, माता चामुंडा शीश नवाया है, भगवती शक्ति देगी कि जिस विकास पथ पर चलने का संकल्प लिया है उसको इस परिवार में आकर के पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 22 तारीख को बजट पास होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले छह नागों ने गिरफ्तारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। हाँ हाँ, वो क्यों नहीं, हाई कमांड बुलाएगी तो हम बात करेंगे। उन्होंने कई बार कह दिया, ये कोई विक्रमादित्य का सवाल नहीं है। इस बात को पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस इंसान ने इतना कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो कम से कम एक मूर्ति लगाना कौन सी बड़ी बात थी। मूर्ति के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे। विभाग में दखलबाजी नहीं दी जाएगी, हुआ ना ऐसा, तभी उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। वो उन्हीं की बात नहीं है, दूसरे मिनिस्टर्स की बात भी ऐसी है। अगर आप ही की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना, गिव देम अ फ्री हैंड एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग इन द फील्ड। वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करना था ना उन्होंने। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके विधानसभा अध्यक्ष द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए कांग्रेस विधायकों में शामिल सुधीर शर्मा आज पूरे 1 माह बाद अपने घर अथवा धर्मशाला पहुंचे, जहां सैकड़ों समर्थकों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। घर लौटने पर सुधीर शर्मा ने सबसे पहले माँ चामुंडा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष के साथ ऐतिहासिक जोरावर स्टेडियम में महीने भर की छुट्टी के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सीएम द्वारा उन्हें बिका हुआ काला नाग कहे जाने पर भावुक होते अथवा रोते भी नजर आए और उन्होंने सही समय आने पर मुख्यमंत्री को इन टिप्पणियों का जवाब देने की बात कही। सुधीर शर्मा ने कहा कि सत्ताधारी दल का कोई भी विधायक अपनी कुर्सी नहीं गंवाना चाहेगा, मगर धर्मशाला अथवा हिमाचल के हित में उन्होंने अपने साथी विधायकों के साथ यह फैसला लिया। सुधीर शर्मा की माने तो धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा आईटी पार्क जैसे मुद्दों के साथ साथ उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में 1,00,000 युवाओं को नौकरियां जैसे जनहित के मुद्दे लगातार उठाए, जिसके बाद कांग्रेस अथवा सीएम ने उन्हें हाशिए पर रखना शुरू कर दिया था। प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार को उन्होंने मित्रों की सरकार करार देते हुए कहा कि अब तक 9 विधायक जा चुके हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन होते ही झूठे वादे व गारंटी वाली इस सरकार का गिरना लगभग तय है। 1 माह बाद घर लौटे सुधीर शर्मा के अभिनंदन समारोह में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव बिंदल भी शामिल हुए और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार के विधायकों की संख्या 43 से 34 रहने पर तीखे तंज कसे। बिंदल ने कहा कि कभी दो सांसदों वाली पार्टी भाजपा जहां आज 300 पार पहुंचने के बाद अब 400 के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है, वहीं कांग्रेस के सांसदों की संख्या 400 से 40 रह गई है। बिंदल ने प्रदेश व अपने विधानसभा हलकों के हित में कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों के लिए बागी शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई और भाजपा द्वारा उन्हें मान सम्मान दिए जाने की बात भी कही। गौरतलब है कि गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की लुटिया डुबोने वाले कांग्रेस विधायकों में शामिल सुधीर शर्मा को जहां विधानसभा अध्यक्ष द्वारा MLA पद से डिस्क्वालीफाई किया गया था, वहीं
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद से भी उन्हें उसी दौरान पार्टी द्वारा हटाया गया था। हिमाचल के दूसरे विधानसभा वाले धर्मशाला को शिमला के बाद सूबे का दूसरा पॉलिटिकल सेंटर भी कहा जाता है। और सुखविंदर सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से पहले वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे सुधीर शर्मा को भी कांग्रेस में उन्हीं के कद का नेता समझा जाता था। मैं लगभग एक महीने बाद घर वापस आया हूँ और भावुक पल है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूँ, स्वेच्छा से हुआ हूँ। इस बीच में कई बातें लोगों ने कही हैं, उनका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। घर आया हूँ, अपनों के बीच आया हूँ, माता चामुंडा शीश नवाया है, भगवती शक्ति देगी कि जिस विकास पथ पर चलने का संकल्प लिया है उसको इस परिवार में आकर के पूरा करूंगा। देखिए, ये चुनाव है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में विचारधाराएं बदलती भी रहती हैं। हमारा संकल्प विकास का है। मैंने हमेशा पार्टी से उठ कर के, जाति से उठ कर के, क्षेत्र से उठ कर के काम किया है, और सब लोग मुझे जानते हैं धर्मशाला में कि मैंने कभी भेदभाव पक्षपात नहीं किया, और वही करेंगे। जो साथ चलना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो विरोध अपना करना चाहते हैं किसी भी कारण से उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। लेकिन देखिए, ये भगवती का आशीर्वाद है और विकास के लिए समर्पित रहा हूँ, वही चीज़ मुझे शक्ति दे रही है। और मेरी जनता जानती है, लोग जानते हैं कि मैं, मेरा समर्पण विकास के लिए है। जहाँ पर उन चीज़ों में कमी आएगी मैं वहाँ रह नहीं सकता। आज भावुक क्यों हो रहे हैं आप? इतने समय बाद आया हूँ तो अपनों के बीच आया हूँ तो वो अंदर से फिर वो भाव जो निकल रहे हैं अंतर्मन से, बिल्कुल आप देखेंगे केंद्र में भी प्रदेश में भी ये सरकार बदलने वाली है। चुनाव के परिणाम आएंगे प्रदेश में भी और देश में भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो विरोध होता है, ये प्रजातंत्र है, इसमें जब भी आप कोई नया कदम उठाते हैं विरोध भी होगा, स्वागत भी होगा। तो सबके साथ मिलकर के फतेह करेंगे, मुझे कोई लेश मात्र भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी आएगी। देखिए, मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। एक कार्यकर्ता की तरह इस पार्टी में आया हूँ और काम करने के लिए आया हूँ। अपना सर्वत्र निछावर करेंगे, धर्मशाला के लिए पहले भी किया है, और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से खड़ा करेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं शत प्रतिशत साथ आएंगे, एक भी व्यक्ति उसमें बाहर नहीं जा सकता, वो मेरे स्वभाव को जानते हैं। संभावना बरकरार है, विघटन की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, ये नंबर बढ़ेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हम माता चामुंडा के दर्शनों के लिए आए हैं, माँ का आशीर्वाद लिया है। हमीरपुर जिला में 3 स्थानों के ऊपर, ऊना जिला में 2 स्थानों पर, सोलन जिला में 1 स्थान पर, धर्मशाला कांगड़ा में 1 स्थान पर, ऐसे ये कार्यक्रम हैं। और अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग हमारे नेतागण, 2 स्थानों पर श्री जयराम ठाकुर जी, 1 स्थान पर मैं स्वयं, और अन्य स्थानों पर हमारे प्रदेश स्तरीय नेता, वो हमारे कैंडिडेट्स के साथ, उम्मीदवारों के साथ जा रहे हैं। आज जहां महामाई का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, वहीं जनता के आशीर्वाद के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अलख जगाएंगे। हमें विश्वास है कि 9 विधायकों के उपचुनाव, जिसमें से 6 डिक्लेयर हो गए हैं, और 4 लोकसभा के चुनाव, ये सभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास। पहला तो ये शब्द उचित नहीं है, बागी। वो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता ने उनको मत दिया, वो इज्जतदार सम्मानदार आदमी हैं, उनके लिए शब्द उचित नहीं है। और वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है, और वो अब जनता में जा रहे हैं,
पूर्ण विश्वास के साथ जा रहे हैं।